बोले इनके जो है ना दो तरीके के नजर आ रहे हैं, एक तो व्हाइट वाले और एक काले वाले। हाँ। पता चल रहे हैं ये देखो यार, है कि नहीं बढ़िया पंकज कमाल का वो पीस। स्वागत है जी आप सबका चटोरा पॉइंट के एक और नई वीडियो में। भाई आज हमारी पलवल की फिफ्थ वीडियो और भाई आज हम कवर करने आए पाशी डे छोले भटूरे। और यहाँ पे ये जो है ये भैया जी आपको नजर आ रहे होंगे, नई शीशे में है, यहाँ से देखो जी ये भैया जी नजर आ रहे हैं, थर्ड जनरेशन है पंकज। हालांकि इनके फादर जो है ना वो शॉप को जो है संभालते हैं और अभी वो आ रहे हैं, उनका थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह भी लेंगे और फिर आपको फूड वगैरह की लुक वगैरह दिखाएंगे कि क्या चीजें सर्व कर रहे हैं। बाकी जी दो चीजें यहाँ पे मंगा ये सर्व कर रहे हैं, एक तो छोले भटूरे और एक समोसा। समोसे और आप भीड़ देख लो, जहाँ भीड़ है वहाँ स्वाद मिलेगा ही मिलेगा आपको। चलते हैं, सबसे पहले अंकल जी आने वाले हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद जो है ना छोले भटूरे और समोसे टेस्ट करके आपको बताएंगे कि हमें यहाँ का स्वाद कैसा लगा। तो भाई दोस्तों मेरे साथ में है जी मनोज जी जो इस शॉप के ऑनर हैं। आपने अभी मेरे को बताया आपके फादर ने स्टार्ट किया था, तो काफ़ी टाइम हो गया होगा इसका मतलब 78 से, तो फिर तो काफ़ी लंबा समय हो गया। और पापा के बाद आपने संभाला, अभी मैं देख रहा हूँ आपका लड़का भी जो है आपको हेल्प कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, बाकी टाइम आप ही रहते हो। कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कितना टाइम हो गया आपको करते हुए ये बताओ मुझे? मेरे को होंगे 28 साल। 28 साल तो काफ़ी लंबा समय होता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अपनी लाइन में? बहुत अच्छा काम है, लोगों को पसंद खूब आ रहा है, क्योंकि भीड़ दिख ही रही है, भीड़ वहीं होगी जहाँ स्वाद होगा। स्वाद होता है, जहाँ टेस्ट है वहाँ भीड़ है, वहाँ भीड़ आएगी आएगी। इसी जगह पे ही आपको 28 साल, मतलब 78 से जो है यही जगह ही है। ये जगह कौन सी है, इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये है जवाहर नगर कैंप। अच्छा, मार्केट। और टाइमिंग क्या है यहाँ की? सुबह 9 बजे से रात के 9:30 तक छोले भटूरे, सुबह 9 बजे से लेके रात 9:30 बजे तक मिलते हैं। क्या बात है, दो ही आइटम बनाते हैं बस। बहुत बढ़िया, चलो अब जो है ना ये दोनों चीजें लेते हैं और आपको जो है ना स्वाद के बारे में बताते हैं। तो भाई मेरे साथ में जो है ना सुजल भाई है, पापा इनके चले गए हैं जरा उनको घर में कुछ काम था। भैया कितने की प्लेट दे रहे हो यार ये बताओ? 40 रुपए की प्लेट है। और आपको कितना टाइम हो गया पापा के साथ यहाँ पे करते मुझे हुए? दो साल से ऊपर हो गए। कैसा रह रहा पढ़ाई के साथ में, ये भी कर रहे हो? ये तो टफ लगता है अभी? हाँ अभी तो टफ लगता है। अच्छा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी है ना, क्योंकि पहले आपके दादाजी करते थे, फिर फादर आए और आप कर रहे हो, ठीक है प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, छोलों के साथ मैंने सुना ये पालक की जो है सब्जी एक तरी क्या है, ये दिखाओ जरा, ये क्या आप दे रहे हो? ये एक तरह से छोले का मसाला है वो भी। हाँ जी, ये एक तरह से छोले का मसाला है। अच्छा, जो बनवाते हैं तो इसके अंदर क्या आपने पालक मिक्स कर रखी है? पालक मिक्स कर रखी है। ठीक है, तो हमारे लिए भी एक प्लेट लगा दो। हाँ जी बिल्कुल। तो जी छोले तैयार हो रहे हैं, भैया जी कितनी क्वांटिटी तैयार करते हो आप? हम जी एक साथ लगा लो कम से कम दिन के 8 से 10 थाल। अच्छा जी, बढ़िया, छोले भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अभी आपने मेरे ख्याल से छोलों की जो तरी होती है वो मिलाई है ना? ये पानी है जी छोले का। अच्छा, नॉर्मल पानी मिलाया है? नहीं, ये छोले का पानी बनवा, छोले का पानी ना, वही मैं तरी बोल रहा हूँ आपको, आप पानी कह रहे हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, छोले तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं जी। और कितने की प्लेट दे रहे हो भैया जी? 40 रुपये की प्लेट। 40 रुपये प्लेट है, जिसमें ये पालक आपकी जो है ज़्यादा मशहूर है कि ये आप छोलों में जो है डालकर जरूर देते हो। जी बिल्कुल। तो भाई हमने जो है ना दोनों चीज़ें इनकी जो है भाई वो दोनों चीज़ें ले ली, एक तो छोले भटूरे और एक ले लीजिए ये समोसे भी, तो छोले सबसे पहले बात करते हैं जी। हाँ जी, थैंक यू भैया। ठीक है जी, ये कितने का है? 10 रुपये का है। ठीक है, 10 रुपये का रायता है जी, ऑलरेडी आधा एक गिलास मैं पी चुका हूँ, बहुत बढ़िया था। छोले दिखाता हूँ जी, ये पूरी प्लेट जो है ना ये 40 रुपये की जी, जिसके अंदर ये इतना बढ़िया जो है ना भटूरा आपको फूला हुआ मिलेगा। ऊपर देख रहे होंगे अजवाइन वगैरह चीज़ें लगी हुई नज़र आ रही है, धनिया वगैरह भी डला हुआ था उसमें मैंने, थोड़ी बहुत जो अंदर भी जो है नज़र आ रहा है ना वो ये धनिया वगैरह अजवाइन ही नज़र आ रही है। मेन आते हैं जी छोलों पे, छोले इनके जो है ना दो तरीके के नज़र आ रहे हैं, एक तो व्हाइट वाले और एक काले वाले। और छोटे वाला जो छोले का दाना होता है ना वो यूज़ कर रखा है, वो यूज़ कर रखा है, लेकिन प्रॉपर मैंने भी टेस्ट किया था, प्रॉपर जो है ना बॉयल हो रखा है, ऊपर प्याज और चटनी डाल देते हैं जी। और साथ में जो है ना ये आपको मिल जाती है ये सलाद, जिसमें जो है ना गाजर है, मूली है, प्याज है, हरी मिर्च है। इसका प्राइस है 40 रुपये। अब यहाँ आ जाओ जी, इसका प्राइस है जी 25 रुपये, जिसके अंदर आपको छोले और वही पालक की चटनी, सलाद सब कुछ मिलेगा। और आप समोसे का जो है ना एक बार भाई साइज़ देखो, समोसा मैं ऑलरेडी यहाँ लेकर आया हुआ हूँ, ये भी समोसा, इसका मुझे अभी प्राइस ध्यान नहीं है। आप यहाँ देखो, ये प्लेट इतनी हैवी है के बड़े आराम से जो है ना, मतलब वन टाइम मील है समझ, वन टाइम मील है जी, अच्छा खासा पेट भर जाए, खुराक ज्यादा वो दो समोसे वो दो खा लेगा जी। अब जो है ना टेस्ट करते हैं, सबसे पहले जो है ना मैं पंकज, पहले सबसे पहले तू टेस्ट कर यार आ जाए। तो भाई जी जो है ना यहाँ से भाई अपने छोले भटूरे जो है पैक करवा के ले जा रहे थे, मैंने पूछा आप यहीं के रहने वाले, क्या नाम के भैया आपका? अंकित अरोरा। और यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। कैसा स्वाद लगता है ये बताओ? बहुत अच्छा सर, हम 25 सालों से खा रहे हैं करीब। अच्छा। और हमेशा मैं यहीं से ही लेने आता हूँ, छोले भटूरे हो गए या छोले भी हो गए घर के लिए, समोसे हो गए, इसके जैसा टेस्ट पूरे कैंप में नहीं है कहीं भी।
पूरे पलवल में नहीं है? पूरे पलवल में भी नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। तो जी अब बार ये फूड को ट्राई करनी है, सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा छोले भटूरे। और भटूरा जो है ना यार, मैं सही बताऊं तो काफी नरम और हल्का है, और ऑयल भी देखोगे ना बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर ऑयल है जी। अब लेते जी साथ में छोले लेते हैं, छोले लगाते हैं जी। छोले दो तरीके के हमने आपको बताए दिए, बढ़िया लग रहे हैं देखने में। अब ट्राई करके देखता हूँ कैसा स्वाद है। कैसा लगा भाई स्वाद? मज़ेदार, कमाल के। मतलब हम जैसे दिल्ली में स्ट्रीट फूड वगैरह में छोले भटूरे खाते हैं ना, उस तरीके का टेस्ट आ रहा। मसालेदार छोले हैं, काफ़ी अच्छी तरी वगैरह बनी हुई है, स्वाद है। बाकी भटूरा काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है, 40 रुपये में वर्थ है। मतलब 40 रुपये में दो पीस भटूरे छोले वगैरह मिल रहे हैं, स्वाद है, साफ़ सुथरी दुकान में, और क्या चाहिए आपको। और आप पीछे देख सकते हो भाई, लगातार जो है ना यहाँ पे कस्टमर है, काफ़ी अंदर लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, परात जो है ना चेंज हो गई है, अब परात जो है भर गई है जी दोबारा से। तो इस तरीके से 8 से 9 परात डेली लगते हैं सुबह से लेकर रात तक। आप सुबह ट्राई करेगा भटूरे, उस बताएगा आपको कैसे लगे। और अब बारी है जी मेरी, पंकज ने तो खूब तारीफ कर दी जी, अब मैं जो है ना आपको टेस्ट करके बताता हूँ ज़रा। यहाँ पे भाई भीड़ तो लगी हुई है और लोग बता भी रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्वाद है। कोई 25 साल से आ रहा है, कोई 30 साल से आ रहा है, आज हमारी बारी है जी। भाई साहब मज़ा आ गया, पंकज वाकई में मज़ा आ गया। भटूरा बहुत लाइट है। अच्छा, एक तो अजवाइन डली हुई है, उसकी वजह से भी जो है ना हाजमा बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मज़ेदार चीज़ जो है ना छोले, वो छोले हैं भाई। अच्छा, वाइट और ब्लैक छोले का कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का लग रहा है। फर्स्ट टाइम खाया है। इसके अंदर जो पालक की चटनी ना, उसकी वजह से भी थोड़ा सा फ्लेवर चेंज है। साथ में तो भाई अब ये मूली वगैरह गाजर मिली हुई है, ये तो बहुत बढ़िया पास हो गया। रायता मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ जी, ये बहुत स्वाद है। 10 रुपये में क्वान्टिटी काफ़ी सही दे रहे हैं। अब जो है ना ये ट्राई करते हैं पंकज, समोसे विद छोले, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी लोग ये भी बहुत ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर प्याज लगा लेता हूँ, करें भाई टेस्ट। नेक्स्ट लेवल भाई, ये है कुछ कमाल की चीज़ पंकज। आई थिंक जो है ना इसके अंदर का आलू जो है ना वो बहुत डिफरेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें दिखाता हूँ, क्योंकि आलू के ना अंदर बहुत सारे फ्लेवर पता चल रहे हैं। ये देखो यार, है कि नहीं बढ़िया पंकज? कमाल का। वो पीसीज वाले आलू वगैरह भी यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे। मैश आलू भी है, पीसीज वाला भी है, गरम मसाला, अजवाइन, धनिया, बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। मतलब डिफरेंट लग रहा है कुछ, बहुत डिफरेंट है ये ना। मैं सच बताऊँ ईमानदारी से, तो मुझे छोले भटूरे से भी ज़्यादा स्वाद जो है ना ये छोले विद समोसे लगा है, और रायता भी पास है। अब तू ट्राई कर जरा एक बार आके। और भाई अब मैं ट्राई करूँगा समोसा विद छोले। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मेरे तो फेवरेट हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता तेरे को कैसा लगेगा, मेरे लिए बिल्कुल पास है जी। कैसा लगा स्वाद? कमाल का, मज़ेदार। अच्छा, दो दो तरीके के इसमें छोले होने के बावजूद जो मेन फ्लेवर आ रहा है ना वो समोसे का ही आ रहा है। आलू का स्वाद जो है ना बिल्कुल अलग है, और काफी अच्छा स्वाद है। अच्छा, पीसेस वाले आलू यूज कर रखे हैं। ये भी समोसा नहीं ट्राई करा, जरा एक बार तू ट्राई कर जरा कैसा लगता है तेरे को, खा के देख। और पीछे देख लो भाई, लोग जो है ना कंटिन्यू आए जा रहे हैं जी। समोसा बढ़िया है भाई, समोसा इनका बहुत कमाल का स्वाद है, स्वाद है। अच्छा, कहाँ आए हो जी एक बार दोबारा बता दे तो। पाशी दे छोले भटूरे 1978 से ये शॉप है। बाकी यहाँ की लोकेशन की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लैंडमार्क मैं समझाता हूँ, विजय बुक डिपो सिंस 1987, वो भी काफी पुरानी शॉप है, अब उसको नहीं कवर कर सकते हैं, इनको कवर करने आए हैं। यहाँ के लोकेशन आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी भाई इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को भाई पलवल वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यार एक बार जो है ना फूड की फिर से लुक देख लो भाई, मस्त ट्राई है भाई ये, है ना कमाल की चीज़ है, मज़ेदार। आओ तो ट्राई करके जरूर जाना।